हरे कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट मई हमल ओबे से नमो विष्णुपादाय कृष्णा भ्रष्टा भूतले श्रीमते भक्ति वेदातस्वामीनि नामिने, नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशता शिल की जय मेमोरियल फेस्टिवल की जय वाचाकलपतुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे टाइम इज शारट हार्डली हाफ एन आवर एंड आई विल गिव माई रिशनशिप प्रभुपाद एंड later on some about his memories and different various things about his nectar how Satsurup maharaj wrote this prabhupad lilambhath and nectar about that i will also little bit give little instructions on that so i came to united states in 1971 तो उन्नीस में मैं उत्तरी अमेरिका में जा पहुंचा। बांग्लादेश और इंडिया का या पाकिस्तान दोनों साइड का युद्ध था उसे कुछ पहले आ गया सो इन टाइम अदरवाइज आई वुड है प्रॉब्लम्स तो उस समय बांग्लादेश और भारत का युद्ध बांग्लादेश और हरी क्लास चली रही अभी पाकिस्तान का युद्ध।, युद्ध चल रहा था तो मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन फिर भी मैं समय से पहुँच गया तो आने पर आई केम अलम माई सेल्फ एंड माई वाइफ आनर्थ देवीदासी शी वॉज ऑल्सो इनिशिएटेड बाई शैल प्रभुपाद सो हमें आने के कुछ ही महीने बाद में एक मित्र की सहायता से हम लोग फिलाडेल्फिया टेम्पल में जहाँ जगन्नाथ जी का टेम्पल था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता का उस टेम्पल में गए और हिंदी में मैं बोलूँगा इसलिए आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है वहाँ जाने पर हमारी मित्रता रविंद्र स्वरूप प्रभु उनकी वाइफ उनकी फैमिली से हुई उन लोगों को घर में बुलाने लगा और इस तरह से हमारा भक्ति का जो बीज जो शुरू से ही था बचपन में माँ बाप ने जो दिया था और मैं जगन्नाथपुरी भी जाया गया था आने से पहले अमेरिका आने से पहले तो मैं जगन्नाथपुरी जा कर के आया था तो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगा कि हाँ भी जगन्नाथ जी का अमेरिका में भी मंदिर है और भक्तों का संग हमेशा बना रहा और मेडिकल डॉक्टर होने से कई भक्तों का हम लोग संग मिला इलाज भी करते रहे तो इस तरह से प्रभुपात से मिलना हमें सुना कि प्रभुपाद जी आ रहे हैं न्यूयॉर्क के बड़े न्यूयॉर्क के टेम्पल में हिंद्री स्टेट में उसमें टेम्पल था और वो बड़े चौदह मंजिल का मंदिर खरीदने वाले हैं तो मैं जाना चाहता था प्रभुपाद से मिलना चाहता था तो हम पहली बार प्रभुपाद जी से मिले सेवेंटी थ्री अप्रैल वन सेवेंटी थ्री तो हम लोग गए और प्रभुपाद का लेक्चर क्योंकि सवेरे मिलने की उम्मीद ज़्यादा थी प्रभुपाद जी से पर उस समय इंडियंस प्रैक्टिकली बहुत ही कम क्या नल थे इस कान में मतलब गोपाल कृष्ण महाराज वगैरह ने ज्वाइन किया था पर ऐसे कोई दूसरे थे नहीं तो मैं गए वहाँ लेक्चर सुना मॉर्निंग का और दर्शन के बाद में दीति ग्रीटिंग के बाद में और हमें स्का्ट किया गया अपने आप ही डी ने कहा कि आप जाकर के प्रभुपाद जी से आपको बुला रहे हैं आप मिलिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो हम लोग गए उनके रूम में आ, मंदिर में ही रूम था वहाँ रूम में मिले उनसे तो बहुत ही कैजुअल प्रभुपाद बहुत रिलैक्स थे प्रभुपाद कोई ऐसा उसमें आ, कोई वो, वो नहीं था कि औपचारिकता किसी तरह की नहीं थी तो प्रभुपाद जी से तो मैंने प्रश्न पूछा मतलब थोड़ा विजिट थोड़ा लंबा था एक मिस्टर चावला और उनकी वाइफ वो भी वहाँ आए थे मेरे ब्रदर भी साथ में थे हम लोग तो प्रभुपाद से मैंने पूछा कि हमारा मन क्योंकि चांटिंग तो जैसे ही गए हमने शुरू कर दिया था पर माइंड इधर उधर बहुत भटकता रहता था ये सभी का क्वेश्चन है माइंड इधर उधर जाता है चांटी के टाइम में तो प्रभुपाद जी से मेरा प्रश्न यही था कि कैसे मन को कंट्रोल करना फोकस करना भगवान के नामस्मरण में जप में चांटिंग में तो प्रभुपात ने यही कहा कि आप कोशिश कीजिए और जैसे जैसे मन भटकता हो उसे वापस नाम में लाइए और नाम को सुनने की कोशिश कीजिए मतलब बोलिए थोड़ा ऐसा कि लाउडली कि कान से सुन सकें और नाम के स्ट्रेंथ से आपने जितना जब कर रहे हो चार माला आठ माला सोलह माला तो वो स्ट्रेंथ से भी असर पड़ेगा कि आप लोग मन को कंसंट्रेट कान्स, कर सकें भगवान के होली नाम में वह मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि नाम सुनिए और साथ साथ वापस लाइए मन को मतलब कि और सुनने में मन लगाइए भगवान के नाम में दूसरा प्रभुपाद ने वहाँ जो मिस्टर चावला और उनकी मिसेज थी वो भी मंदिर में सेवा करते थे तो प्रभुपाद ने ये बताया कि ये मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन नॉट ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म वो लड़की जो थी या माता जी जो थी वो अमेरिकन थी इन्होंने चावला जी ने महावेद ने शादी की थी तो प्रभुपाद ने ऐसा कोई एतराज नहीं बतलाया कि इंटरनेशनल मैरिज भी ठीक है यदि बेस कृष्णा कृष्णा right. वो बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस है नॉट फॉर इंजॉइंग स्प्रिट बट फॉर सर्विंग शिल कृष्णा देन डेट वुड बी डेट वुड बी ऑल राइट वो उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मैंने बाद में तो ऐसा नहीं पढ़ा पर इससे था अब इसके बाद में ये सेवेंटी थ्री की बात थी अब हम बीच में हमारा लड़का हुआ और तो उनको भी प्रभुपाद के चरणों में तब उस समय तक बड़ी बिल्डिंग चौदह मंजिल जिसे प्रभुपाद हमेशा डिस्क्राइब करते थे वी है वेरी हाई राइज बिल्डिंग न्यूयॉर्क में फिफ्टी फिफ्थ एवेन्यू में था एट्थ एंड फिफ्टी फिफ्थ एवेन्यू तो हम लोग जाते रहते थे वहाँ तो जब लड़का हुआ तो उन्हें भी प्रभुपाद के चरणों में समर्पित करने के लिए आ, हम ले गए तो और प्रभुपाद के चरणों में उनका सिर रखा तो प्रभुपाद ने पूछा मतलब वो इंडियन हो तो हिंदी में ही बात करते थे तो उन्होंने कहा कि बाबा का नाम क्या है मतलब है सर्वेश उसका नाम है प्रभुपाद ने सिर पर हाथ रखा एक तरह का आशीर्वाद उनके चरणों में सिर रखा था तो इस तरह से प्रभुपाद हमेशा ही केजुअल रिलैक्स मिलना मिलनसारता नम्रता यानी कि क्यों आ गए या लोगों ने उस समय इतने कम इंडियन थे कि वो प्रभुपाद को बहुत खुशी होती थी इंडियन से, से मिल करके कि भाई कोई ना कोई भारतीय मिलने के लिए आए हैं ये सेवेंटी थ्री कथा इसके इसके बाद में हम लोग और मिले थे पर नेक्स्ट हमारा मीटिंग था ये फ़िलाडेल्फिया टेम्पल में रथ यात्रा सेवेंटी फाइव में जुलाई के महीने में फर्स्ट टाइम रथ यात्रा फ़िलाडेल्फिया में नि, न, निकली थी तो हम लोग सब गए थे बड़े उत्साहित थे रथ यात्रा तो हमने कभी देखी भी नहीं थी पहले इंडिया में सुना था जगन्नाथपुरी में होती है तो वहाँ गए हम लोग और प्रभुपात सबसे पहले मंदिर में थोड़ा लेक्चर देते हैं तो वो लेक्चर में थे तो रविंद्र सोर प्रभु उन्हीं के वो रविंद्र सोर प्रभु पीएचडी कर रहे थे टेंपल यूनिवर्सिटी में फिलाडेल्फिया में तो वहाँ के हिंदू के जो प्रोफेसर थे वो भी वहाँ आए हुए थे तो वो उस प्रभुपात ने पूछा प्रभुपात ने कहा से उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया रविंद्र सोरू प्रभु ने कि ये हिंदुज़म के प्रोफेसर हैं तो प्रभुपात ने पूछा हिंदुज़म क्या होता है तो वो प्रोफेसर होने के बावजूद भी वो कुछ जवाब नहीं दे पाए तो प्रभुपाद ने कहा कि दिस इज चीटिंग वो काफ़ी नाराज तो हुए अपसेट हुए और बाद में प्रभुपाद ने कहा कि हिंदू वर्ल्ड कहीं भी वैदिक साहित्य में नहीं है जो हिंदू वर्ड है ये इंडस रिवर सिंधु नदी जो मुस्लिम लोग उधर से इन्वेडर से आए जो हिंदू को सिंधु नदी स को हाँ बोलते हैं इसलिए वो हिंदू हिंदु, हिंदुस्तान या हिंदी या ये नाम हो गया मतलब सिंधु नदी के उस पार वाले हिंदू हो गए वास्तव में ये कोई वर्ड वैदिक नाम नहीं है यानी anyway, में हम लोगों का सनातन धर्म और भागवत धर्म तो इस तरह से प्रभुपात ने कहा तो ये सिर्फ मैं प्रभुपात के बारे में बतला रहा हूँ कि उनका इस बारे में क्या मतलब वास्तविकता थी ये उन्होंने बतलाया बाद में हम लोग रथ यात्रा में साथ साथ गए हम चलते जाते थे तो मैं प्रभुपात का और देख करके मेरे मन कि प्रभुपात इतने महान हैं कई लोग उनके फॉलो करते हैं उनकी पूजा आरती भगवान जैसे होती है जैसे उन्हें भगवान जैसे आ, श, तो समस्त मतलब सब शास्त्र में भी ये वर्णन है और उसमें मुझे मालूम नहीं था उनसे दीक्षा लेने के हम सोच तो रहे थे पर मन में ये डाउट था कि ये सही है या नहीं है और साथ में प्रभुपाद को मैं देखता जा रहा था मतलब एक तरह का घूरना जैसे आप कह सकते हैं कि उन्हें देखता जा रहा था प्रभुपाद रथ में हमेशा आते समय हमेशा रथ यात्रा में सुभद्रा के तीन तीन कार्ड होते थे तीन रथ यात्रा निकलती थी उसमें जो बीच वाला कार्ड था वो मतलब सबसे आगे बलराम जी पीछे सुभद्रा जी का कार्ड और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का कार तो प्रभुपात कोई गाड़ी आती थी उन्हें सुभद्रा जी के रथ यात्रा में रथ में उनका व्यासासन रहता था और उन्हें वहाँ बैठाया जाता था तो मैं उनकी तरफ देखता रहा जब बैठे मैं देखता रहा पर संभाव मैं प्रभुपाद से वो भी मेरी तरफ देख रहे थे ये लोका छिपी या हाइड एंड सी काफ़ी काफ़ी समय तक मतलब एक मिनट भी बहुत होता है तो काफ़ी समय तक प्रभुपाद देखते रहे जो भी हो उनकी मरसिया जो कुछ देखने के थ्रू उन्होंने इंजेक्ट किया वेरी मच ग्रेटफुल टू हेम फॉर दैट गेस्चर जो था बाद में वो रथ यात्रा वापस जैसे आती है तो वो प्रभुपात हमेशा लेक्चर देते हैं रथ यात्रा के बाद में वो भी हमने सुना बाद में ऐसे ही सेवेंटी सिक्स के बाद यह सेवेंटी फाइव नाइनटीन सेवेंटी फाइव रथ यात्रा इन फिलाडेल्फिया फ़िलाडेल्फिया भी एक तरह का मेजर सिटी है जैसे न्यूयॉर्क शिकागो फिलाडेल्फिया सैन फ्रांसिस्को या ऐसे सैन डिएगो ऐसे अलग अलग तो बाद में न्यूयॉर्क में रथ यात्रा थी न्यूयॉर्क में रथ यात्रा सेवेंटी नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में फर्स्ट टाइम रथ यात्रा सेवेंटी सिक्स में हुई तो हम लोग भी फिर रथ यात्रा अटेंड करने के लिए गए वही का वही क्रम प्रभुपाद सुबद्रा के कार्ड मतलब वो एकदम नहीं आते थे रथ चालू करने टाइम रथ थोड़ी देर आगे जाता था उसके बाद में प्रभुपाद को लाया जाता था उनका व्यासन पर उन्हें बैठाया जाता था और बाद में रथ जाता था तो प्रभुपाद कभी कभी नीचे यहाँ तो नहीं पर लंदन में मैंने देखा था कि नीचे उतर करके वो भी डांस करते थे चांट करते थे उस समय ऐसे मुझे याद नहीं है हुआ है या नहीं हुआ है पर बाद में उनका लेक्चर वगैरह तो ये काफ़ी लंबा परेड था वो वो कम से कम आप समझ लीजिए चार पाँच माइल सेंट्रल पार्क से वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क तक वो रथ जाता था आ, अभी तो वो छोटा कर दिया गया है फोर्टी सेकंड स्ट्रीट से मतलब बयालीस स्ट्रीट को उन्होंने छोड़ दिया और फोर्टी सेकंड स्ट्रीट से आ, सेंट, आ, पार्क में वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में ले जाया जाता था तो इस तरह से मेरा संबंध प्रभुपाद जी से उन रथ यात्राओं के टाइम में कुछ लेक्चर्स जो पहले होते थे हम एक बार ये बड़ी मन बिल्डिंग में भी ऊपर से नीचे आ रहे थे इतने लोग आ जाते थे उस समय फोर्टीन स्टोरी बिल्डिंग जो थी न्यूयॉर्क में मानहाटन में पर बाद में प्रभुपात के जाने के कुछ ही समय बाद में वो बिल्डिंग को बेच दी गई क्योंकि मेंटेन ड्यूटी लोग बिना एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं होने से उन्हें बेच दी गई थी बाद में भगवान वैसे ही मानहाटन में ही रहे और पर वहाँ विजिट नहीं कर सकते थे तो हम लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाए बाद में फिर ब्रुकलिन में उन्होंने खरीदा फिर वहाँ जाने लगे तो अभी आज भी मंदिर जो है रा, राधा गोविंद जी वो ब्रुकलिन में ब्रुकलिन टेम्पल में है बा प्रभुपात का जो वो तो ट्वेंटी सिक्स है या मैचलेस गिफ्ट जो है वो तो चलता ही रहा है अभी भी है बहुत सारे लोगों ने कोशिश की जो पहला टेम्पल खरीद लिया जाए पर उतनी कोशिश नहीं की गई उस समय तो काफ़ी सस्ता भी था पर वो जो फर्स्ट टेम्पल जो जहाँ प्रभुपात रहे थे उसके पीछे जहाँ सामने मंदिर है एक छोटा सा हॉल है मतलब थोड़ा सा ही है मतलब आप समझ लीजिए पंद्रह बीस फीट बाय बीस फीट का भी हाल नहीं था प्रभुपाद एक कोने में व्यसा सन रहता था और लोग आते थे काफ़ी क्राउडेड पर आज भी वो मंदिर चल रहा है मैचलेस गिफ्ट वाला जो फर्स्ट टेंपल न्यूयॉर्क में था उसके बाद में प्रभुपाद ने कई को लोगों को एम्पावर करके अलग अलग जगह भेजा वहाँ से सैन फ्रांसिस्को में था वहाँ से ड्यूटी बने लॉस एंजल्स में बॉस्टन में अलग अलग जगह प्रभुपात भेजते रहे थे तो कुछ प्रभुपाद के क्वालिटीज़ के बारे में आपको बतलाऊंगा और ये प्रभु महाराज ने जो लीलामृत लिखा सत्सुर महाराज से मैंने ब्राह्मण दीक्षा ली फर्स्ट दीक्षा जो हमारी थी शिल प्रभुपाद जी से द्वारा तो आ, ये ब्राह्मण तो सत्सुर महाराज हमारे यहाँ उनका काफ़ी संबंध रहा है मतलब हमारे घर रहते थे जब मैं एक स्ट्राउट्स वर्ग के में था तो उन्होंने शेक बाहर बनाया था बहुत ठंडी में भी ग्लोव गर्म पहन करके मतलब बर्फी बर्फ़ चारों तरफ और इधर इधर उधर के जंगली जानवर भी आते थे पर वहाँ रह करके प्रभुपात के बारे में लिखना जितना लिटरेचर सतसुरूप महाराज ने लिखा है प्रभुपाद के बारे में उतना शायद ही कोई और ऐसा दूसरा हो जिन्होंने तीस चालीस किताबें प्रभुपाद के बारे में लिखी हो और पूरा लीलामृत तो उनका टूर जो रहता था, था उनके साथ में बलदेव विद्याभूषण और दूसरे जो इन्वेस्टिगेट करते लोगों से इंटरव्यू लेने के लिए जहाँ जहाँ प्रभुपाद जिनसे जिनसे मिले जिनसे जिनसे कांटेक्ट मिला तो वो सब लोग ये हुई मतलब प्रभुपाद के जाने के बाद वाली बात सेवनटी एट सेवेंटी नाइन में पर उससे पहले प्रभुपाद से परमिशन के लिए सेवेंटी फोर में कि प्रभुपाद के बारे में कुछ हम लोग लिखे हैं नहीं तो ये बाद में समाप्त हो जाएगा जो जो लोग मिले तो सेवेंटी फोर में कुछ डिहोटी लोग गए प्रभुपाद जी के पास आ तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया कि हम आपके लिए कुछ बुक लिखें फिर सेवेंटी सेवन में तमाल कृष्ण ऑलमोस्ट मतलब प्रभुपात तमाल कृष्ण महाराज गए और उनसे पूछा कि हम आपके बारे में जैसे दूसरे का चैतन्य महा महाप्रभु का दूसरे कईयों का संतों का लिखा हुआ है हम भी चाहते हैं तो प्रभुपाद ने अपनी स्वीकृति दी और उसी के कारण से फिर जीवी बी सिंह ने हिज होली ने सतसुर महाराज को अपॉइंट किया और उन्होंने फिर ये और तो उसके लिए कई कई वर्ष लग गए छ छः साल तक के लिए करीब पाँच छः साल छः वॉल्यूम में निकला है लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन और बाद में वॉल्यूम आते गए जैसे जैसे आते गए हम लोग पढ़ते गए और उन्होंने फिर बाद में वन एक अनब्रिज एडिशन निकाला जिसमें छह ही पार्ट शामिल हैं आप लोग वो ले सकते हैं पर प्रभुपाल लीलामर जैसे बतलाया आ, वो वही है जैसे भागवताम भागवताम भगवान की स्टोरी है और उसमें डिहोटियों का भी है कई संतों का वर्णन भी है उसमें तो साथ में ये प्रभु प्रभुपात की जो लीला है वो भी प्रभुपाद में एक तरह का भागवतम जैसा ही है यदि हम उसे स्वीकार करें जैसे चैतन्य चित्तावा में चैतन्य महाप्रभु छन्ना अवतार थे हमेशा उनका भागवत भगवत्ता वो दिखाते नहीं थे पर कई जगह ऐसा है कि वो दिखाते भी थे तो प्रभुपाद ने भी ऐसे कई जगह जैसे पहले ये यहाँ थे आ, बतला रहे थे कि प्रभुपात बात कर रहे थे लॉस एंजल्स में प्रभु भगवान से या राधा रुक्मणि द्वारकाधीश से तो इस तरह से प्रभुपात के भी ऐसे अलग अलग हैं जिन्होंने बतलाया और प्रभुपात का अब थोड़ा मैं और भी बतलाऊंगा कि प्रभुपात के लाइफ जैसे ट्वेंटी सिक्स क्वालिटीज एक तो प्रभुपात लीलामृत कैसे शुरू हुआ बाद में जो कुछ उसमें लीलामृत के इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ रह गए थे तो उन्होंने सतसुर महाराज ने प्रभुपाद नेक्टर करके ऐसी छोटी किताब जो है छः वॉल्यूम ये थी जो कुछ रह गए थे जो पास टाइम उसमें दिए हुए नहीं हैं तो उन्होंने यार इंटरव्यू के टाइम या बाद में पता चला तो उन्होंने ये संकलन में बजाय बुक को चेंज करने के उन्होंने इसमें लिखा है फिर इंस छः बुक्स का एक वॉल्यूम में प्रभुपाद नेक्टर या प्रभुपाद अमृत तो अभी भी वो अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश कई भाषाओं में आप थोड़े प्रभुपाद का 26 सिक्स क्वालिटीज या जो है वो मैं आपको बतलाना चाहूँगा और थोड़ा बहुत उसमें प्रकाश डालना चाहूँगा कि प्रभुपाद बहुत ही कृपालु कम्पेशनेट हैं करुणामयी है, है मेग्नानिमस है नमो महावदान आय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्ण कृष्ण क्रिष्ना चैतन्य नाम ने गौरत विषय नम तो ये चैतन्य महाप्रभु वो तो दयालु या कृपालु या है ही हैं पर वैसे ही प्रभुपाद भी वो जो है उन्होंने भी इतना मैगनानिमस इतने डिफिकल्टी के बावजूद जी जो आपने लोगों ने सब सुना होगा आ के कैसे उन्होंने कई लोगों को ब्लैचों को यमुनों को और कई जो तो ये उनकी कृपा का वर्क है ये एवरी वन सबका वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ काम किया बहुत ही कंपेशनेट है सर्वोपकारक सब पर समान दृष्टि से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से प्रभुपाद ने ये किया और सबको कृष्ण भक्ति दी बहुत ही नम्र जैसे हमारे जैसे लोगों से भी मिलना और एक व्यक्ति तो आया एक मतलब शराबी और कई बहुत ही डल्टी वहाँ इतनी ठंड होने के कारण से लोग पाँच पाँच छः छः लेयर कपड़ों का या कोटों का पहन लेते हैं और इतना डल्टी बाद में हो जाता है उसी में सोते भी हैं नहाना करना तो बहुत दूर की बात है तो एक व्यक्ति जब ट्वेंटी सिक्स सेकेंड में एक टिश्यू पेपर का रोल आया प्रभुपात के ठीक सामने से साइड में ये मैचलेस गिफ्ट के साइड में एक छोटा सा बाथरूम था वहाँ जा के रख दिया और चला गया तो पर प्रभुपाद ने उससे भी अप्रिशिएट किया ये नहीं कि गंदा कहाँ से आ गया भगाव से यहाँ से बदबू फैला रहा था तो भी प्रभुपाद ने उसे कुछ माइंड नहीं किया तो वही व्यक्ति उनके दया के कारण से प्रद्युम्न नाम का वो वही उसने संस्कृत वगैरह आकर स्कॉलर बना और प्रभुपाद का संस्कृत का एडिशन करता रहा यदि वो उस समय शुद्ध देते तो उसका जीवन नष्ट हो जाता अतः वो कहाँ जाता पर इस कारण से उस व्यक्ति के भगवान प्रभुपाद के हम्बलनेस के कारण से और उन्होंने वो अमानी थे कभी उनमें फाल्स प्रेस्टीज जो कुछ क्रेडिट आती थी वो हमेशा अपने गुरु को देते थे कि मेरे गुरु इस डिवाइन ग्री भक्ति बक, सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है आप लोगों ने मतलब मेरे गुरुजी ने आप लोगों को सबको भेजा है तो अपने चेलों को भी वो गुरु जैसे बना करके रखते थे ऑल्दो माई गुरु महाराज हैड ऑर्डर्ड मी टू अकिश दिस मिशन आई एम नॉट वर्दी आर फिट टू डू इट आई एम वेरी फॉलन एंड इनसिग्निफिकेंट ये उनकी हम्बलनेस है ह्यूमिलिटी है देअर फॉर ओल आर नाउ आई एम बैगिंग फॉर यूर मर्सी सो देट आई मे बिकम वर्दी फॉर यू यू आर द वाइजेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल ये लोटस फीट में बोर्ड में जलदूत में उन्होंने प्रेयर में इस तरह से लिखा अकृत द्रोह डज नॉट क्वारल कभी भी कोई किसी लोगों ने मान लो गुरु भोगी भी लोग होते थे बहुत सारे पैसे निकाल करके भी चले जाते थे पर कभी भी प्रभुपाद ने उन्हें दुधकारा नहीं कितने भी समय के बाद में उन्हें विश्वास था कि लोग वापिस आएंगे और वो आए भी तो उन्हें एक बार वो क्वारल तो वो कभी करते नहीं थे जितनी बार लीगल केसेस उनके हुए हैं तो वो लोग लाते थे कि ये इस तरह से न्यूयॉर्क में टेंपल में या आने देने का नहीं है या ऐसे कई तरह के लीगल केसेस आते थे पर प्रभुपाद देखते थे कि पेपर में कितनी बार कृष्णा का नाम है यदि ज़्यादा ज़्यादा कृष्णा का नाम है उतना वो अप्रीशिएट करते थे कि लोग कृष्णा का नाम पूरे पढ़ेंगे और कृष्णा की भक्ति में लगेंगे तो इस तरह से प्रभुपाद अलग रूप में वो इस तरह से नहीं देखते थे इसे हम लोग देखते हैं और वो ट्रूथफुलनेस हमेशा सत्यसार ट्रूथफुलनेस यही है कि भ कृष्णा इज द सर्वोपरि ही सर्व कारण कारणम और हम लोग ये मटेरियल ट्रूथफुलनेस एक अलग चीज़ है वो सभी तरह से वो फिक्स थे स्थिर थे अपने भक्ति में और लोगों को भक्ति फैलाने में कभी उन्होंने तो जैसे मैंने आपको बताया सम ये 26 क्वालिटी कृष्ण की है पर प्रभुपाद ने भी वो वही की वही क्वालिटीज़ उतरती है और भी उसे कई कई ज़्यादा तो सम का मतलब इक्वल टू एवरी तो प्रभुपाद जो थे ऐसा नहीं जैसे वो प्रभुपाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाडा नित्यानंद लाडन नित्यानंदा वो जैसे फैला रहे थे उन्होंने जैसे प्रेडिक्शन भी किया कि ऐसा ऐसा आ, जैसे टी ओ वी पी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम एक मेरा सेनापति आएगा वह यहाँ मंदिर बनाएगा ये मंदिर को दूर दूर से लोग देखेंगे हजारों भक्तिविनों ठाकुर ने भी ऐसा प्रेडिक्शन किया था और भागवता में भी कई जगह सोलह जगह इनका कि प्रेडिक्शन किया था कि आएंगे मेरा एक सेनापति जो इस तरह से फैलाएगा जैसे पृथ्वी ते आते अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम कि मेरा नाम सब जगह प्रचार होगा तो ये प्रचार इन्होंने किया है शिला प्रभुपाद जी ने तो प्रभु मोर नाम प्रचार उससे पहले कोई बाहर गए भी नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने तीन सन्यासियों को भेजा भी था पर वो लोग कुछ कर नहीं पाए कुछ फोटो वगैरह क्लिक करके ले आए पर उन्होंने बाद में इतने लोगों के हृदय में प्रभुपाद से पूछा जाता था आप यहाँ क्यों आए ये ब्रिटिश में लंदन में पूछ रहे हैं एयरपोर्ट पर भी पूछते थे कि आपके यहाँ आने का क्या पर्पज़ है और तो उन्होंने यही बताया कि आप लोगों ने इंडिया को काफ़ी लूटा काफ़ी कुछ ले आया है पर वहाँ का कल्चर वहाँ के स्पिरिचुअल नॉलेज वो आप लोग भूला हैं उसी को मैं देने के लिए आया हूँ तो प्रभुपाद इस तरह से जुग में आ, मतलब कई तरह के वो इस तरह से उन्होंने वो निर्दोष या उनमें किसी तरह का दोष नहीं है फॉल्टलेस फॉल्टलेस है वेस्ट वो इन वर्ड्स डीट्स एंड माइंड इज कम्प्लीटली सरेंडर टन टू कृष्णा एंड सर्व स्पिरिचुअल मास्टर टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी इज ऑलवेज फॉल्टलेस तो वो फॉल्टलेस थे उन्होंने अपनी पूरी एबिलिटी से एबिलिटी से कई गुना ज़्यादा सोच भी नहीं सकते थे कि कोई व्यक्ति 69 नाइन ईयर के एज में जा कर के बिना पेनेलैस हेल्थ ठीक नहीं कई बार हार्ट अटैक तो भी वो आए और उन्होंने अपने गुरु के आज्ञा को माना उसके प्रिपरेशन में उन्होंने कई साल लगा दिए माइल्ड मृदु इस प्रभुपात के माइल्ड डिमिनर हर एक वही एक फीचर था उनका कि वो इतने मधुर थे इतने स्वीट थे जैसे हम लोग अट्रेक्ट कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव ऐसे प्रभुपाद भी सब तरह से अट्रैक्टिव थे उनका स्वभाव इतना मधुर था कि कोई भी उनसे एक बार मिलता था तो वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था एक बार जहाँ भी प्रभुपाद गए उनमें प्योरिटी के कारण से जैसे रशिया में उन्होंने इतने मंदिरों में मतलब रशिया में एक ही व्यक्ति को अनंत अनंत या क्या नाम अनंत हाँ शांति हाँ बाद में अनंत नाम हुआ उनका पर जैसा भी हो तो उन्होंने एक कोई पढ़ाया भले वह छः सात दिन रहे थे और उनके साथ में श्याम सुंदर प्रभु गए थे मालती प्रभु के हस्बैंड साथ में थे और उन्होंने उसको जो बतलाया उससे आज लाखों करोड़ों रशियंस और आसपास के कंट्री वाले वो भक्त बने आप देखिए प्रभुपाद की मैगनानीमेटी ये उनका मृदुल स्वभाव के कारण से था कि इस तरह से वो फैला सके और उनकी प्योरिटी के कारण से था वो हमेशा शांत रहते थे रथ यात्रा फेस्टिवल में एक बार ये फेस्टिवल जो था लंदन में पर वो उतना कमज़ोर ऐसे बनाया था कि वो नीचे उसका एक पहिया ही टूट गया अब कोई दूसरे तो केवाटे के मतलब कई दस दस हज़ार लोग आए थे ये लंदन की बात है या काम से रथ यात्रा हाँ लंदन की बात है रथ यात्रा फेस्टिवल फर्स्ट क्लास प्रमोशन के लिए बहुत सारा एडवर्टाइज़ किया था कई लोग आए थे कई इंडियंस आए थे दूसरे आए थे पर वो रथ का पहिया ही टूट करके नीचे गिर गया तो उस समय रथ यात्रा कैंसल करना पड़ी व्हील ऑफ़ द रथ कार्ट ब्रो द चेरियट कोलेप्स एंड इट वॉज ए डिजास्टर सो गुरुदास प्रभु वॉज वन ऑफ़ द लीडिंग मैनेजर्स ऑफ द फेस्टिवल तो उन्होंने बाद में प्रभुपाद को लिखा कि uh, वा के दैट वॉज बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक ही हैम फॉर द फेस्टिवल बट was very peaceful वेरी पीसफुल होल chaos. ही रिप्लाइड बैक एक्सप्लेन एक्सप्लेनिंग दैट द इंसिडेंट एट अपर्ड नॉट ड्यू टू एनी मिस फॉर्च्यून बट इन स्टेट ड्यू टू द बैड इंजीनियरिंग इन दैट लेटर दैट फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देर मस्ट हैच वेट ऑन द चेरियड एनी वे प्रभुपात नाराज नहीं हुए किसी को चेस्टाइज नहीं किया और वो शांत शांतता बनाए रखे और इस तरह से वो रथ का नेक्स्ट ईयर से फिर ठीक होने लगा उनमें किसी भी तरह की इच्छाएं नहीं थी वासना नहीं थी अपने स्वयं के लिए अकाम डिजायरलेस विदाउट एनी एंड ही वॉज विदाउट एनी मटेरियल पोजेशन उनका जो भी था उन्होंने कभी भी अपना कि ये मेरा है मेरा और मी एंड माइन ये करके उन्होंने कभी नहीं रखा अकिचन भगवान भी जो अकिंचन होते हैं उन्हीं पर उन्हीं को अपना मानते हैं और उन्हें सब कुछ दे देते हैं इन डिफरेंट टू तो द मटेरियल एक्विजेशन अनिह एंड विदाउट इनेब्रिएशन अप्रमत्ता, प्रमत्तता उनमें एंड हर काम जितना हो वो करते थे और आप, <coughs> मतलब हार्डली दो तीन घंटे सो पाते थे तो भी वो काम करते थे क्लीनलीनेस प्रभुपात एग्जिबिट क्लिनलीनेस बहुत इंटरनली एंड एक्सटर्नली ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ बाहरी क्लीनली टिपटाप कर दें पर अंदर में कोई परिवर्तन ना आए हृदय में या बॉडी में परिवर्तन आना जरूरी है इनसाइड इनसाइड क्लीनिंग होता है भगवान की भक्ति से भगवान का नामस्मरण से भगवान के लिए ही सब कुछ करना मटेरियल डिजायर से नहीं होना बाहरी क्लीन नहाना धोना कपड़े अच्छे आयरन वाले पहनना ही सब कुछ नहीं है शिला प्रभुपात क्लीनिंग वॉज सो प्रोफाउंड डेट फार रीचिंग डेट नॉट ओनली वॉज हिमसेल्फ परफेक्ट बट ही ऑल्सो प्योरीफाइड उन्होंने कई लाखों करोड़ों लोगों को प्योरीफाई प्योर कर दिया अपनी प्योरिटी से प्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है दूसरे में भी देख करके भी इंटरनल और एक्सटर्नल क्लिनलीनेस सेल्फ कंट्रोल फ्री फ्राम लस्ट एंगर ग्रीड इल्यूजन छ जो है छः शत्रु काम, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इन छों से वो कंट्रोल थे उनसे दूर थे वो आ, ही वॉज वेरी फॉर गिविंग मतलब ये छह क्वालिटी कैसे है ये रेडिली फॉर गेव अदर्स ऑफेंसेज एंड नेवर गेव अप ऑन एनी वन मतलब कोई जैसे कि हय ग्रीव प्रभु वो बाद में पहले छोड़ करके चले गए एक बार uh, वो दूसरे भी एक थे ड्यूटी छोड़ा चले गए और बाद में कई सालों के बाद में उन्होंने शादी वगैरह कर ली बच्चा भी हो गया प्रभुपाद उनकी फिक्र लेते रहे कि कहाँ है और वो का नाम मुझे याद नहीं है मैं, वो कहाँ है कैसे मिलेगा वो एक बार डिहटियों ने बुलाया कि वो है प्रभु का उनको जा करके बुलाओ वो लाए तो उसे बड़े अपने प्यार से बैठाया तुम्हारे पत्नी कहाँ है उसे लेकर के नहीं आए मतलब प्रभुपाद को ऑलरेडी पहले से मालूम था कि वो शादी हो चुकी है उसका बच्चा भी है कहाँ है बच्चा मतलब इतने काइन और दयालु कि वो उनके परिवार के बारे में उनके वेल उन्होंने फिर वो आदमी बाद में मुंह हो गया है मंदिर में सेवा चैत्य गुरु उसका नाम था और चैत्य गुरु यूज टू ड्राइव गिरिराज स्वामी और तमाल कृष्ण गोस्वामी अराउंड बॉम्बे तो ये चैत्य गुरु थे वहाँ मतलब पहले और पर बाद में वो आ गए थे वो एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा कृष्णाई का शरण ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो इधर उधर कई तरह के देवी देवता कई तरह के साधु कई तरह के जैसे अपने इंडियनों में है कि जिसने भी कुछ चमत्कार दिखाया या कुछ तो वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कहेंगे हमारा भला होगा आपने भलाई मतलब इलाज के लिए कहे या बच्चों के लिए या किसी भी तरह से पर प्रभुपाद ने क्लियरली समझाया है कि जो कृष्णा की कृपा से ये लोग कुछ आपको दे सकते हैं मतलब देव देवता हो या कोई साधु बाबा या कोई तीर्थ स्थान हो या कोई जैसे कहीं जल जलाशय में जाते हैं यहाँ जाने से बीमारी अच्छी हो जाएगी प्रभुपात को इस बातों में कुछ भी विश्वास नहीं था वो चाहते थे कि एक्सक्लूसिव हमारा डिवोशन कृष्णा से हो और कृष्णा भी यही चाहते हैं अनन्यास चिंतन तुम ये जना पर विपाश थे तेषा नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेम वहाँ में हम तो वो चाहते थे कि कृष्णा के पास ही जाए तो प्रभुपाद ने अपने गुरु के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू सर और लार्ड कृष्णा के लिए और इस तरह से क्या क्या उन्होंने तकलीफें भोगी वो आप बार बार सुनते आए हैं इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा और वो मित भोग मित भोग है ना कई शरीर की कई बीमाएँ आज ही हम बातें कर रहे थे कि कई बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादा खाने से होती है कई तरह का अनाप शनाप खाना यदि ये, ये हम भगवान का भोग लगा करके सात्विक फूड खाएँ ने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हमेशा सरल रहो एग्रीकल्चर और अपना प्रोड्यूस किया या दो एकड़ जमीन एक एकड़ ज़मीन एक गाय हो आप परिवार पालन कर सकते हैं तो हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं नॉर्मल वैदिक स्टैंडर्ड से इस कारण से कई तरह के प्रॉब्लम हैं कई तरह के डॉक्टरों की ज़रूरत कई तरह के इलाजों की जरूरत ये नहीं होती यदि हम वैदिक शिक्षाओं को लें जो प्रभुपाद ने क्लियरली बतलाई गौ पालन एग्रीकल्चर प्रभुपाद ने भी ये गुरुकुल नहीं पर ये जमीन करके जैसे उन्होंने न्यू वृंदावन ली इतने एक जो अपना फूड ग्रो कीजिए आप अपना ही खाइए तो इस तरह से उन्होंने सिखाया तो कई तरह के ब्रांचेस उन्होंने सिखाई सिर्फ एक गौपालन और यही नहीं और भी उन्होंने भक्ति वेदांत तो इंस्टीट्यूट साइंटिस्टों को पढ़ाने के लिए या अगरबत्ती एंसेंस वगैरह का का धंधा तो इस तरह से वो राउंड हर तरह से थे कि कैसे मंदिर चलाना कैसे चल और उन्होंने इतना सिंपल कर दिया सिंपल बनाया अपने लाइफ में उतार करके यदि हम माला जप लें भगवान को भोग लगा करके खाएँ दीती वर्षीप घर में सब जगह हो या मंदिर के आसपास ना हो तो घर में धीती रखें वैष्णवों का आदर सत्कार भक्तों का संग तो कई चीज़ें मंदिर में भी है घर में भी आप लोग कर सकते हैं मतलब हम लोग पहले म, कभी मैं मंदिर में नहीं रहा भले पंद्रह वर्ष मैं टेम्पल प्रेसिडेंट रहा पर मैं कभी भी मंदिर में नहीं रहा पर हमारे घर भक्तों का ताता लगा रहता था, था किसी को कभी हमने मना नहीं किया कि आप नहीं आप मत आइए एक हमारा घर था तो डेनविल न्यूजर्सी में तो वहाँ चालीस चालीस भक्त भी आकर पचास भक्तिचरू महाराज के भी जब वीडियो शूटिंग हुई थी वो भी मैं आप बाद में बतलाऊँगा पर वो भी वहाँ आकर के रहे और शूटिंग पूरी वहीं की वहीं हुई या आसपास जगह जा जा करके हुई पर उनका निवास स्थान वहीं था महाराज के कई भक्त वहाँ आते थे और सोमया जुलू करके उनके जो उन्होंने प्रभुपात का रोल किया था वो भी वहाँ वहाँ रहे थे भले वो बाहर आकर के सिगरेट भी पीते थे पर एनी <laughs> वे anyway, पर मैं उन्हें अच्छी क्योंकि मैं भी उनके साथ ही रहता था आत्मतत्व प्रभु और दूसरे थे तो मैं वहीं वहीं रहा था साथ में तो वो तो प्रभुपाद पोएट पोइट भी हैं कवि कवि का मतलब है लर्नेडी नहीं पर उन्होंने कविता जो लिखा जल दूता पर या बाद में तो उन्होंने इस तरह से इज गेस्चरिंग वॉकिंग टॉकिंग, सिंगिंग स्माइलिंग डांसिंग अर्चना वेर ऑल परफॉर्म विथ एन एक्सट्रीमली नेचुरल पोएटिक ग्रेस बी फिटिंग ए स्वान प्योर लाइक प्योर ड्यूटी ऑफ लाड कृष्णा द पोएम्स डेट यू एट कंपोज इंक्लूडिंग दोस् डेट यू आर रिटन ऑन बोर्ड द जल आर लेडन विदस्ट प्रोफोम स्पिरचुअल इमोशन आफ एन इलूस्ट्रिय वेस्ट वो आप उसके ये कैसे वो भगवान पर डिपेंडेंट थे कैसे भगवान को क्रेडिट करते थे कैसे किस तरह से प्रार्थना करते थे कि मेरा वर्ल्ड ऐसे बनाइए ताकि इन लोगों का जो इम्प्योर लाइफ में वो कुछ समझ सकें सीख सकें और भगवान की तरफ मुड़ सकें बॉस्टन में आने पर उन्होंने लिखा जलदूता में लिखा हार्ट अटैक के बाद में तो वो दक्ष थे एक्सपर्ट इन एवरी वो आए थे सिक्सटी में वो जलदूता में उस समय तो प्रभुपात को छोड़ने के लिए दो ही जना आए थे कलकत्ता में जैसे उन्होंने बोर्डिंग किया शिप में बैठे दो जन एक तो उनका एक साल पहले का कोई मित्र था वो आया और बाद में उनका एक लड़का वृंदावन डे वो वृंदावन आए थे तो उनके लड़के दो ही जन आए पर उस उन्हीं के फेस्टिवल मैंने भी अटेंड किया कि बॉस्टन में कोई नहीं था न्यूयॉर्क में तो कोई था ही नहीं अकेले उन्होंने अग्रवाल ने एक बस कर दी थी बस से वो चले गए थे मतलब मैं भी पेंसिलानिया में भी रहा हूँ मैं काफ़ी बार उस सिटी के थ्रू हम जाते भी थे न्यू वृंदावन जाने के लिए जहाँ प्रभुपात रहे थे तो उसके बाद में अब बॉस्टन में प्रभुपात के अराइवल का फेस्टिवल मनाया जाता है क्योंकि सबसे पहले उनका कदम अमेरिका के वो बॉस्टन में बॉस्टन पेयर जो बॉस्टन थे वहाँ था तो वो फेस्टिवल में कई लोग आते हैं मतलब उस समय कोई नहीं था पर अब हजारों लोग आकर के वो मनाते हैं उस फेस्टिवल को तो देखो भगवान की कृपा जहाँ छोड़ने के लिए रिसीव करने के लिए कोई नहीं है तो वहाँ हजारों लोग उनके फेस्टिवल के लिए आते हैं उनका मनाते ईयरली जो फेस्टिवल होता है प्रभुपात का बॉस्टन में पहला कदम अमेरिका में आने के लिए वो बहुत ही गंभीर फ्रेंड मतलब मैं मे, मित्र फ्रेंड ऑफ़ एवरी और मौनी भी हैं ऑलवेज द ट्रांसीडेंटल में मतलब मौनी का मतलब ये नहीं है कि आप या बोले नहीं आप बोलो पर ओनली काम की चीज़ें या भगवान की भक्ति के बारे में भगवान के प्रचार के बारे में न कि किसी और तरह से तो उनका स्पिरिचुअल मतलब प्रभुपाद के हम थोड़ी बहुत चीज़ों को भी यदि ले लें उन्होंने सिंपल करके हमें बतलाया है तो हमारा जीवन सफल हो सकता है मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है वो सफल हो सकता है तो इस तरह से प्रभुपाद के कई गुण हैं मैं थोड़ा आपको टाइम तो वैसे हो चुका है तो, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पर है पर ये मैं कुछ प्रभुपाद नेक्टर ये पढ़िएगा आप लोग इसमें कई छोटी छोटी सी बातें जो प्रभुपाद की जैसे प्रभुपाद बगीचे में घूम रहे हैं जा रहे हैं तो वो आ, देख ड्यूटियों जो साथ में वॉकिंग करते थे एक आधी बार मैं भी गया हूँ प्रभुपाद के वॉक में आ, तो क्या होता था आ, कि वो प्रभुपाद बोलते देख रहे हैं आप डू यू सी एनी तो प्रभुपाद पूछ रहे हैं अपने भक्तों से तो वो कुछ उनको कुछ दिखाई नहीं दिया बगीचे से जा रहे थे तो प्रभु डोंट यू सी इट ड्रिपिंग वाटर वो किसी और का एक एक बुंद गिर रहा था एक एक बुंद पानी तो उन्होंने कहा कि ये कृष्णा की एनर्जी है उसे वेस्ट मत कीजिए बंद तो उन्होंने उनके भक्तों ने जा कर के नल को बंद किया मतलब प्रभुपात अपने हिसाब किताब में मैंने देखा मेरे पास प्रभुपात का ई वगैरह अभी भी है हॉस्पिटल में जब भर्ती हुए थे यहाँ आने पर सेवेंटी या जो भी हो पर वो एक एक उनके हिसाब में पुरानी डायरियाँ कुछ क्योंकि मैं उस टेम्पल में रहा न्यूयॉर्क का पूरा सामान जो बड़ा था वो हमारे टेम्पल टोवाको में आ गया उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने प्रिजर्व करके रखना था पर एनीवे वे वो पैसा वगैरह सबका हिसाब लिखते थे रखते थे आ, ऐसा नहीं कि ये है मैं इतना कमा रहा हूँ अब प्रभुपाद एक समय में आखिरी में शुरू में चालीस रुपये भी नहीं थे पर बाद में प्रभुपाद वर्ल्ड के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे उनके इतना मंदिर इतने कम समय में बना लेना ये कोई भी आज तक सोच नहीं सकता था कि इस तरह से उन्होंने उन्होंने किया तो पर तो भी उन्होंने अपने पर ऐसा नहीं रहा कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ उनमें कभी माइंड में या मन में कभी ऐसा आया हो हमेशा ही सिंपल से रहे और वो बार्गेन भी करते थे आपने सुना होगा वृंदावन में प्रभुपात चलते हुए जा रहे थे तो वो कुछ अमेरिकन ड्यूटी भी थे तो प्रभुपात ने किसान बेचने के लिए आया कुछ सब्जियाँ तो प्रभुपात ने कहा होलसेल को मंदिर में बहुत सारे ड्यूटी थे तो उन्होंने बार्गिन करके बहुत ही कम कीमत में उन्होंने उसे उसे लिया तो प्रभुपात अपने भक्तों को सिखाते थे, थे कैसे रहना कैसे करना कैसे लोग चीट करते हैं कैसे उन्होंने संस्था के स्थापना की प्रभुपात की जो सात नियम हैं उनके फॉलो तो उन्होंने एक एक चीज़ों को भक्तों को लोगों को जैसे कली माता जी सूर्भि माता जी या थी साड़ी पहनने के लिए और बतलाने के लिए वो वास्तव में बेस्ट ड्रेस है अभी अमेरिका में भी कई पहनते हैं शौकीन से मतलब पर वो बेस्ट यदि वो हो उसमें जो शालीनता जो है वो ऐसे रेगुलर ड्रेस में या अमेरिकनाइज ड्रेस में नहीं है इनिवे anyway, मैं यहाँ समाप्त तो करूँगा आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो एक आधा प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभुपात के बारे में बट मैं प्रभुपात जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा आप सब पर बरसती रहे आप आए हैं अटेंड करने के लिए और आप भक्ति में आगे बढ़ते रहें इस रास्ते को जो जो कृष्ण भावनामृत है उसे भी छोड़ना मत आप कृष्ण को हमेशा याद रखें कृष्ण कृष्ण मति अस्तु कृष्ण में आपकी मति हमेशा बनी रहे इधर उधर न जाए क्योंकि संसार मैंने सब तरह तो के देखे हैं मतलब अमेरिका में इंडिया में अच्छा कमाता भी था डॉक्टर भी था प्रेस्टिजियस पोजीशन भी थी पर ये सभी बेकार हैं मैं आज भी जितना यहाँ आया गांव में जो मैं बचपन में जो रहता था जो मैं जितना खुश था मैं आज भी मुझे मैं उतना खुश महसूस नहीं कर रहा हूँ कई तरह की समस्याएँ कई तरह के प्रॉब्लम तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग भगवान की तरफ मन ले जाओ पढ़ाई लिखाई ठीक है पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र और प्रभुपात का समझिए कि हम लोग क्या हैं क्या नहीं आप यूथ हों मैं आपके ग्रैंडफादर जैसा कई बच्चों का तो हूँ पर आप मानिए कि ये यदि आप सरल जीवन जिएंगे आप और भगवान के इर्द गिर्द और लोगों को जितने लोगों को भक्ति को ले जाएंगे उतना ज़्यादा आपका कल्याण होगा हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण एक और चीज़ जैसे ये प्रभुपात के उन्होंने लेटर्स के द्वारा प्रभुपाद ने कई शिक्षाएं दी हैं कन्वर्सेशन में मॉर्निंग वॉक्स में तो सभी रिकॉर्डेड हैं आप लोग पढ़िए छोटी छोटी सी बातें पर कितना वो उन्होंने प्रभुपाद ने किया पर ये यहाँ तो अमेरिक इंडिया में तो किसी ने रिकॉर्ड किया नहीं है पर ये भक्तों का जो शुरू शुरू में अमेरिकन जो उनके भक्त थे जिन्होंने तो सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके प्रॉपरली उसे टाइप करके लिखा प्रिजर्व किया कि दस हजार साल तक नुकसान ना हो ये बड़ी बात है कि उन लोगों ने किया हरे कृष्ण हरी ओलेशमी कृषि प्रभु की तो कैसा लगा प्रभु जी का प्रेजेंटेशन आप लोगों को कई बार जब हम भक्तों को देखते हैं तो हम एकदम से अनुमान नहीं लगा पाते हैं भक्तों ने कितनी सारी सेवाएं की हैं लेकिन प्रभु जी से जब हम श्रवण कर रहे हैं तो अमेरिका में प्रभु जी ने शिल प्रभुपात के साथ शिष्य भक्ति चरण महाराज के साथ और कई अन्य प्रकार से बहुत सारी सेवाएं की हैं तो विशेष रूप से प्रभु जी ने हमें बताया कि सादा जीवन उच्च विचार यही है जीवन का सार साथ में कृष्ण भक्ति को करें अंगीकार और दूसरों को देकर सब पे करें उपकार तो प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं